أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة مجادلة يا اخیر آیت پڑھ رہا ہوں. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يوادون من حاد الله ورسوله वलवानू अबाहम अब अखवानम अखवानवाशतम अल्लाह तला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगज़ न पाएंगे गो वो उनके बाप या उनके बेटे या उनके भाई या उनके कबीले के अजीज अजीज ही क्यों न होमानद यही वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ताला ने ईमान को लिख दिया है और जिनकी तायद अपने अपने अपनी रूह से की जन्नति तजरीदी नफिया और जिन्हें उन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहां यह हमेशा रहेंगे अल्लाह उनसे राजी है अल्लाह से खुश हैं उजब्ला खुदाई लश्कर है अला अला इजब्लामफल आगाह रहो बेश्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं इसलिए कि इनका ईमान उनको उनकी मोहब्बत से रोकता है ईमान की रियायत अब बनौत अख़ोत और ख़ानदानी बिरदरी की महब्बत और रियायत से ज़्यादा अहम और ज़रूरी है चुनाच साहब के राम रजवानल आल मजमाइन ने आमला ऐसा करके दिखाया एक मुसलमान साहबी ने अपने बाप अपने बेटे अपने भाई और अपने चचा मामू और दिग रिश्तेदारों को कत्ल करने से गुरेज नहीं किया अगर वो बेईमानों की कुफर की हमायत में काफिरों के साथ लड़ने वालों में शामिल होते तारीख़ के किताबों में मिसालें बहुत लिखी हैं इसी जमन में जंग बदर का वाक़ भी काबिल ज़िक्र है जब असीरा ने बदर बदरी बदरी कैदियों के बारे में मशवरा हुआ कि उनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए तो आज उमर ने मशवरा दिया था कि इन काफिर कैदियों में से हर कैदी को उसके रिश्तेदार के सुप्रद कर दिया जाए जिसे वो ख़ुद अपने हाथों से कत्ल करे और अल्लाह ताला को हजरत अमर रजी अल्लाह का यही मशवरा पसंद आया था तफसील के लिए देखिए सूरह अनफाल आयत नंबर सिक्सटी सेवन पर तफ़ील में लिख रहा हूँ इंशाअल्लाह इसलिए अल्लाह ताला की मोहब्बत ये गालिब आनी चाहिए और अल्लाह का लश्कर ही हमेशा गालिब रहेगा अल्लाह का लश्कर कौन सा लश्कर है जिनके दिल के अंदर ईमानी रगे मजबूत हो, कौमी रगे नहीं महम्मदी रगे मजबूत हो, अल्लाह के अहकाम को पूरा करने वाले हो, कौमी रगे काटने वाले हो, मोहम्मदी रगे जोड़ने वाले हो, यह है अल्लाह का लश्कर अल्लाह ताला आफियत के साथ इन बातों पर हम सबको अमल करने की तोफी कता फरमा